ड्रैकुला अपनी छोटी सी बच्ची के साथ अकेले रह रहा होता है। ड्रैकुला की पत्नी को इंसानों ने मार दिया होता है, इसलिए ड्रैकुला अपनी बेटी को उसकी माँ की तरह पालता है। ये अपनी बेटी को कभी भी अकेले बाहर नहीं जाने देता है, क्योंकि इसे इंसानों से बहुत नफरत होती है। ड्रैकुला अपनी बेटी को हमेशा सुरक्षित रखने के लिए एक बड़ा सा भूतिया किला बनवाता है और इस किले के अंदर सारे भूत और जानवर एक साथ मिलकर रहते हैं। ड्रैकुला की बेटी धीरे धीरे बड़ी हो जाती है, इसलिए ये इस किले से बाहर घूमने जाना चाहती है, लेकिन ड्रैकुला इसे किले से बाहर नहीं जाने देता है, क्योंकि ड्रैकुला को लगता है कि इंसान इसकी बेटी को भी मार देंगे। एक दिन एक जिंदा लड़का जंगल में घूमते घूमते ड्रैकुला के किले में पहुंच जाता है, तो ड्रैकुला इसे जल्दी से दूसरे भूतों से छुपाकर एक कमरे में ले जाता है, क्योंकि भूत इस लड़के को देखकर भाग जाएंगे। लेकिन ये लड़का ड्रैकुला पर विश्वास नहीं करता है, तो ड्रैकुला इसे भूत की कॉस्ट्यूम पहनाकर इसे किले से बाहर ले जाने लगता है, लेकिन ये लड़का वहां दूसरे भूतों को देखने लगता है। तभी ये ड्रैकुला की बेटी से जाकर टकरा जाता है।